अब फ्रेंड्स हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसजुगेट मैट्रिक्स या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, कोई ए मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालें, जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगा। इसकी क्लियर डेफिनेशन एवं एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, क्लियरली समझाया हुआ है, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, लेट ए थीटा एंड बी थीटा आर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन ए थीटा की पावर थीटा बराबर ए, यानी ए का ट्रांसजुगेट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम सिर्फ ट्रांसपोज कह रहे हैं, सॉरी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम ट्रांसजुगेट कहते हैं, तो ए ट्रांसजुगेट का ट्रांसजुगेट भी ए होता है। ए प्लस बी का अगर आप ट्रांसजुगेट निकालना चाहें तो उसको हम ए ट्रांसजुगेट प्लस बी ट्रांसजुगेट लिख सकते हैं। के ए ट्रांसजुगेट निकालना चाहे तो पहले हम के का सिंपली हमें कॉन्जुगेट निकालना होगा। के का जो के जो है स्केलर है, यानी ए प्लस बी आयोटा कोई कॉन्स्टेंट है तो उसको ए माइनस बी आयोटा लिखना होगा, और ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसजुगेट मैट्रिक्स लिखना होगा। ए बी ट्रांसजुगेट जो होगा वो होगा बी ट्रांसजुगेट डॉट ए ट्रांसजुगेट, यानी ए बी जो दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लीकेशन है तो उस कंडीशन में उनका ट्रांसजुगेट मैट्रिक्स जो होगा वो बी का ट्रांसजुगेट और ए का ट्रांसजुगेट दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग ट्रांसजुगेट होगा, और जहां पे ए और बी आर कॉन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी ए और बी का मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद ए एन थीटा, यानी ए का हम एन बार मल्टीप्लाई करें उसके बाद हम उसका ट्रांसजुगेट निकालें, या हम पहले उसका ट्रांसजुगेट निकालें उसके बाद एन बार मल्टीप्लाई करें, दोनों ही सेम होंगे।